बदला हमेशा अच्छा होता है, ठुकरा के सॉरी माफ करो बट मैं वापस आ चुका हूँ मेरे के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बदले के बारे में। कल का वीडियो याद है ना, जो गॉड लाइक ने टोटल गेमिंग के साथ फाइट जीता था, ठीक उसी के बदले के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो, टोटल गेमिंग ने गॉड लाइक के गेम्स फाइट जीता कल के विलेज ईस्पोर्ट्स के विंटर ईस्पोर्ट्स के आखिरी मैप पे। उस पोर्शन को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि टोटल गेमिंग ने टोटल 17 किल के साथ बुया निकाला और विलेज ईस्पोर्ट्स के फाइनल्स के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया पहले के पहले, वो तो जल्दी जल्दी करो और कोई ज्यादा वक्त ना करते हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो। ओके, सो विलेज ईस्पोर्ट्स का विंटर मास्टर जो है 6 दिन का एक ग्रैंड फाइनल्स है। ये पहला दिन था, पहले दिन के बाद ओवरऑल स्कोरबोर्ड आपके सामने बहुत क्लियरली दिख रहा है, जहां पे निग्मा गैलेक्सी, केमिन ईस्पोर्ट्स, टीएसएम आपको टॉप 3 में नजर आ रहे हैं। एंड निग्मा ने बहुत ही शानदार गेम प्ले दिखाया। एंड आई थिंक कमेंट में किसी ने बोला था कि यार निग्मा के बारे में थोड़ा बात करें, तो निग्मा के बारे में जरूर से मैं अभी आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स कहना चाहूंगा। आई थिंक निग्मा गैलेक्सी इज वन ऑफ दोज टीम्स जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, क्योंकि उनमें एक ऐसा प्लेयर है बासो नाम का, जिसके पास एक्सपीरियंस ना कूट कूट के भरा हुआ है। अपने देश को पहले भी इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर चुका है, पिछले साल उन्होंने एक ऑफिशियल टाइटल जीता था जिसका नाम है फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप स्प्रिंग सीजन। उसके बाद थोड़े से गायब थे एंड अगेन फॉल में भी वो फाइनल्स में क्वालिफाई हुए थे, बट फिर से यू नो अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे नहीं दे पाए। बट इस बार के FFPL के विंटर फाइनल्स में हम लोगों ने देखा कि वो बहुत पास आए थे 4th मैप के बाद। उसके बाद आखिरी के 2 मैप्स में कहीं ना कहीं उनका जो परफॉर्मेंस हुआ भूल चूक हुई, जिस वजह से वो पीछे चले गए एंड केमिन वन इट। बट एनीवेज निग्मा गैलेक्सी हमेशा से रहे हैं, इस्लाम के टूर्नामेंट में भी निग्मा ने जीता था, 2 पॉइंट से टी से जीत गए थे। निग्मा गैलेक्सी तो हमेशा से रहे हैं उस जगह पे, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है ना जो फायर पावर रखती है एंड उनमें जो वो ब्रेन पावर वासियो लेके आता है ना, उस वजह से उसमें एक एक्स फैक्टर बना रहता है। आई थिंक हम हमेशा मानते थे कि वासियो है तो मुमकिन है, तो अगर निग्मा गैलेक्सी ने ये कंसिस्टेंसी होल्ड रख लिया तो दे कैन विन दिस फाइनल्स वेरी इजीली। एंड इसका ओवरऑल प्राइस पूल 8 लाख का है, तो ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स यू नो थोड़ा ढील देके खेल रहे होंगे, सीरियस नहीं खेल रहे होंगे। यूजुअली यू नो जो बहुत नेचुरली लोग सोचते हैं कि यार फाइनल्स है, अगर वो 1 लाख का टूर्नामेंट 2 लाख का टूर्नामेंट है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट 8 लाख का टूर्नामेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट फर्क पड़ रहा होगा टीम्स को। हाँ, उसके बाद ब्रेक डाउन है, फर्स्ट प्राइस शायद से 5 लाख का होगा, वो जो भी है ब्रेक डाउन में आप लोगों को स्ट्रीम पे जरूर से पता लग जाएगा विलेज ईस्पोर्ट्स के। बट एनीवेज निग्मा यहाँ पे अच्छा चांस होल्ड कर सकते, केमिन भी अच्छा चांस होल्ड कर रहे हैं, इवन टीएसएम भी, इवन गॉडलाइक का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था, टोटल गेमिंग ने भी आखिरी मैप पे बुया निकाला। मैं आपको वो मोमेंट दिखाऊंगा कि वो आखिरी सर्कल में क्या-क्या हुआ एक्चुअली। तो ये बेसिकली आखिरी सर्कल का एक फाइट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जहां पे टोटल गेमिंग की टीम देखो बिल्कुल पिन पॉइंट सेंटर में बैठे हुए, फील्ड्स का सर्कल है, पर्गेटरी मैप था एंड यहां पे 6 टीम्स मतलब टोटल गेमिंग के अलावा 5 टीम्स और 17 प्लेयर्स यहां पे अलाइव है। टोटल गेमिंग के चारों खिलाड़ी अलाइव रहते हैं और आप जानते हो कि आखिरी सर्कल में जब ये लाइनअप फौजी, अजय, ड्रेगो, माफिया एंड डिलीट जिंदा रहते हैं आखिरी सर्कल में, ये लोग कितना ज्यादा फायर पावर यू नो पोजेस कर सकते हैं। अब एक चीज है कि यहाँ पे 6 दिन का फाइनल चलने वाला है, तो लंबे रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा हर एक टीम को। अगर निग्मा को जीतना है निग्मा को बनना पड़ेगा, टीएसएम को जीतना है टीएसएम को बनना पड़ेगा, गॉडलाइक को जीतना है गॉडलाइक को बनना पड़ेगा, इवन टोटल गेमिंग को भी लंबे रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, जैसे वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स कप के ग्रैंड फाइनल्स के दौरान हम लोगों ने देखा था। अब ये क्लिप मैं प्ले करूंगा, आप इस सिचुएशन को देखिए कैसे ये लोग एक के बाद एक किल सिक्योर करते चले जाते हैं, मतलब टोटल मैं बोलता हूँ ना कि खुली छूट मिल जाती है इनको, किसी से कोई डर नहीं है, रिच पे फाइट ले रहे हैं। डिलीट को इस सिचुएशन में देखना कि वो किस तरीके से अपने आप को ना MVP में कन्वर्ट करता है। डिलीट ना एक ऐसा प्लेयर उभर के आ रहा है, हालांकि ये सारे के सारे प्लेयर्स यंग हैं, जब इन्होंने हेक्स के साथ अपना शुरू किया था ना जर्नी, वहां से कितना ग्रो कर चुके हैं, यही होता है एक प्लेयर में मैच्योरिटी। एंड इमीडिएटली देखिए यहाँ पे ड्रेगो जो है आकाश स्पीड रन करता है ग्रेनेड से, गॉड लाइक, वही मैंने जो स्टार्टिंग में एक मजाक के तौर पर मैंने बोला था ना कि ठुकरा के मेरा पैर जो भी है वो बदला यहाँ पे जरूर से लिया गया। बट अब है ट्राइज टू फाइट बाय, आई थिंक असैसिन आर्मी का जो प्लेयर बचा रहता है वो शायद से इतने फास्ट मूवमेंट में दिखा नहीं मुझे, ओके दिस वाज ओजस्वी थे, ओजस्वी नहीं असैसिन आर्मी कंबर थे जिन्होंने यहाँ पे फाइनली टेक डाउन किया उनको। एंड देखिए यहीं तक तो 14 किल आ चुके थे हमारे टोटल गेमिंग के प्लेयर्स के पास। अब इस सिचुएशन में देखिए वो यहाँ पे देखना, बहुत क्लियरली देखना डिलीट का मूवमेंट देखिए और उनका एम एक्यूरेसी देखिए, ये काफी जरूरी होता है एज अ प्लेयर, एज एन असॉल्टर जो आप में होना चाहिए। यहाँ पे क्राउच डाउन करेंगे, ठीक है, स्पीक किया, 3 प्लेयर्स हैं एंड देखिए ग्रोजा के शॉट्स देखिए, 1, 2, 3, 4 नॉक, पेन नॉक, दूसरा प्लेयर भी नॉक, ओबीतो एंड पेन को उन्होंने टेक डाउन कर दिया। अब माफिया को देखिए, उनको खुला छूट मिल गया कि वो रश करेंगे, सामने वाले प्लेयर्स के पास ना काउंटर करने का कोई टाइम नहीं है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। स्काई के साथ घुस जाता है बंदा, ड्रेगो का सामने से एक नेड कुक कर रहा है, ड्रेगो यहाँ पे नेड मुंह पे फेंक के मारेगा, ये देखना ड्रेगो के नेड तो ओबीतो डाउन हो जाते हैं। बड़े आसानी से ये प्लेयर्स यहाँ पे खत्म होने ही वाले, कुछ नहीं किया जा सकता है, शीयर डोमिनेशन देखो ये होता है, मतलब बिना
डरे गेम प्ले दिखाना एंड आई थिंक टोटल गेमिंग डिड इट वंस अगेन एंड डिलीट वंस अगेन बीइंग द एमवीपी ऑफ दिस टीम. मतलब अब तो रेगुलर ऐसा करते करते ना आदत बन चुका है एंड ये लोग भी बाज नहीं आ रहे इससे. अब इनको हर मैप में बुआ चाहिए, हर टूर्नामेंट में जीत चाहिए, बट पॉसिबल नहीं है हर मैप में हर टूर्नामेंट में बुआ करना. बट हालांकि देखा जाए टोटल गेमिंग का यही मैप काफ़ी अच्छा गया था, बाकी जितने ही मैप थे उनको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लड़खड़ाते हुए हमने देखा, जिस वजह से उनका ओवरऑल स्कोर बोर्ड पर भी हमने एक चीज़ देखा कि वो सिक्स या सातवें पोजिशन पे थे, तो उनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. बट अभी के लिए निग्मा गैलेक्सी एंड केमिन ईस्पोर्ट्स इज ऑन अ रोल, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका चल रहा है विलेजर ईस्पोर्ट्स के ये विंटर मास्टर्स के फाइनल्स में. अभी भी अगर कोई टूर्नामेंट आते तो जरूर से मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा एंड ऑफकोर्स एनालिसिस करके बताने वाला हूँ छोटे छोटे क्लिप्स जैसा मेरा हमेशा काम रहता है. टिल देन हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए. ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर से मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा वो पार्ट एंड और कुछ अगर हो सकता था वहां पे कोई और सामने वाले ओपोनेंट की तरफ से, क्योंकि एक तरीके से जो यू नो आप रोक देते हो ना सामने वाले ओपोनेंट से कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वही चीज को अगर वो अवॉइड कर सकते तो जरूर से मुझे सजेशन देना, मैं जरूर से आपका कमेंट पढ़ना चाहूंगा. टिल देन लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग बहुत पास आ चुके हैं 11,000 सब्सक्राइबर्स के गाइस. जल्दी जल्दी 11,000 की फैमिली तक हम पहुंच जाएंगे. टिल देन हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ.